आज की हमारी कहानी है टप टप टपाक, और इसे लिखा है अमर गोस्वामी ने। एक बहुत ही घना जंगल था। एक दिन झमाझम खूब बारिश हुई, अगले दिन धूप निकली, सारे जानवर बाहर निकले। तभी कहीं से आवाज आई, टप टप टपाक। सभी घबरा गए। शेर ने सोचा, चीते ने सोचा, हाथी ने सोचा, भालू ने सोचा, ये कैसी आवाज है। भालू डर गया, वो झाड़ी में छुप गया। हिरन कांपने लगा, वो भाग गया। चीता भी वहां नहीं रुका। शेर ने कहा, मैं नहीं डरता, लेकिन वो भी खिसक गया। बड़े जानवर दुम दबाकर भाग गए। चूंटी ने कहा, चलो साथियों, हम टप टप टपाक को ढूंढें, देखें वो कौन है। हम सब साथ हैं तो डर कैसा। चूहा बोला, शाबाश चूंटी बहन। जुगनू बोला, मैं आगे रहूंगा। बिल्ली बोली, मैं साथ हूं। खरगोश ने कहा, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। सब टप टप टपाक को ढूंढने निकल पड़े। फिर सबने देखा, बारिश का पानी पत्तों पर टपक रहा था। टप टपाक, हर तरफ यही शोर था। चूंटी ने अकर कर कहा, देखा, सबने अपने सर सहलाए और मुस्कुरा दिए।